हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, पीडीआई ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 14, 2014 और ये चाइना में रिलीज हुआ था नवंबर 14, 2014 को। नवंबर 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम एंसिग्रेथ एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको, द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैग्यो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्वेगियन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मार्शल्स, जॉन मलेकविच एज डेव डॉक्टर ऑक्टेवस, ब्रिन अविलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडेला पेंगुइन अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू, वर्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर, डेनी जैकोब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन, एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं।
वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जार गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके को जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज़ में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले आया जाता है, जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है, जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था, जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ, और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर, और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट, और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, पीडीआई ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फिर इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox, और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014, और ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को। November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $132 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सीग्रेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको, द लूज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जियोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड who serve as the expert in pyrotechnics and demolition, Annette Mahendru as Eva, a Russian snowy owl which is with a matching ancient Kowalski love interest girlfriend and North Wind intelligence analyst, Peter Stormare as Corporal Norwegian Polar Bear and a member of North Wind who served as the Marshals, John Malkovich as Dave, Dr. Octavius
ब्रिन अवेलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडिला पेंगुइन अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्टेक्ट एंड न्यूयॉर्क जू. Warner Herzog as himself credited as the documentary filmmaker, Billy Incher as the young your reporter, Danny Jacob as King Julian VIII in place of Sacha Baron Cohen, Andrew Richard as Mort. तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं. 10 साल पहले स्कीपर रिको और क्वालस्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं. अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं. जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं. वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के 10वें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जार गोजा छोड़ देते हैं. इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है. तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएँ. तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं. वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं. बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया. तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें. हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ. पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट. प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच. तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं. इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, पीडीआई ड्रीमवर्क्स. तो चलिए फिर इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं. इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014 और ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को. November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन. तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं. टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट
द रॉकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनराड वार्नर एज रिको, द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वार्नर रिप्लेस जॉन डीमैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशिएंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच इज विथ अ मैचिंग एशियंट क्वालिस्टिकी लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्विंगन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मार्शल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अ विलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस who has a human scientist disguise and want revenge on all Adela penguins across the earth of being obstacled and New York Zoo. Warner Herzog as himself, credited as the documentary filmmaker, Billy Incher as the young your reporter, Danny Jacob as King Julian VIII in place of Sacha Baron Cohen, Andrew Richard as Mort. तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और क्वालस्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवे को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके को जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज़ में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में लिया जाता है जहाँ उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइलर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनराड वार्नर, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, किन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं।
इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन PDI ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014। ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को। November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनराड वर्नन एज रिको, द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्ब्रेच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेलजियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्र एज ईवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एंशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्वेगियन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अविलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडेला पेंगुइन्स अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू, वर्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर, डैनी जैकॉब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन, एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीजों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के 10वें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्श जारो गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहाँ उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड
आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, किन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेक्विच। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, PDI ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014। ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को। November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको, द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन, वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैग्यो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जियोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ओल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्वेगियन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अविलिनियस और डिसग्रेंटेड जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडेला पेंगुइन्स अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू, वर्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर, डेनी जैकब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन, एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं।
वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के 10वें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्श जार गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके को जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है, जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है, जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था, जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइलर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, पीडीआई ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फिर इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014 और ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को, November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको, द लूज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैग्यो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जियोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड who serve as the expert in pyrotechnics and demolition, Annette Mahendru as Eva, a Russian snowy owl which is with a matching ancient Kowalski love interest girlfriend and North Wind intelligence analyst, Peter Stormare as Corporal Norwegian Polar Bear and a member of North Wind who serve as the muscles, John Malkovich as Dave, Dr. Octavius
ब्रिन अवेलिनियस और डिसग्रेंटेलेड जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस हुआज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडिला पेंगुइन्स अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू वार्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर डैनी जैकोब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और क्वालस्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीजों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्श जारोगोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहाँ उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन जॉन एबॉट ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट ब्रेंट सिमोंस माइकल कोल्टन जॉन एबॉट प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस क्रिस माइदर क्रिस्टोफर नाइट कॉनरेड वर्नन बेनडिक्ट कम्बरबैच किन जियोंग एनेट महेंद्रू पीटर स्टोरमेयर जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन पीडीआई ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 14, 2014 और ये चाइना में रिलीज हुआ था नवंबर 14, 2014 को नवंबर 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में ये द लीडर ऑफ एडिला पेंगुइन्स में और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में द ब्रेन ऑफ द एडिला पेंगुइन के रूप में क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट द रॉकी ऑफ
द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वॉर्नन एज रिको, द लूज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वॉर्नन रिप्लेस जॉन डी मैग्यो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्ब्रेच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेलगीजियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रु एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एंशियंट क्वालिस्टिकी लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्विंगन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अ विलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस who has a human scientist rescues and wants revenge on all Adela penguins across the earth of being obstacled and New York Zoo. Werner Herzog as himself credited as the documentary filmmaker, Billy Incher as the young your reporter, Danny Jacob as King Julian VIII in place of Sacha Baron Cohen, Andrew Richard as Mort. तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और क्वालस्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीजों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जारो गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहाँ उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था। जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइलर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वॉर्नन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, किन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं
निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन पीडीआई ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 14, 2014। ये चाइना में रिलीज हुआ था नवंबर 14, 2014 को। नवंबर 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वार्नन एज रिको, द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन, वार्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्ब्रेच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट, ही इज द नॉर्थ विंड टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्विंगिन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अवेलिनियस और डिसग्रेंटेड जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडेला पेंगुइन्स अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू, वार्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर, डेनी जैकोब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन, एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अड्डे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्जारो गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको
पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, PDI ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 14, 2014 और ये चाइना में रिलीज हुआ था नवंबर 14, 2014 को, नवंबर 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको, द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन, वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वुल्फ विद ब्रिटिश एजेंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जियोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्विंगिन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अ विलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस who has a human scientist rescues and wants revenge on all Adela penguins across the earth of being obstacled and New York Zoo. Warner Herzog as himself credited as the documentary filmmaker, Billy Incher as the young your reporter, Danny Jacob as King Julian VIII in place of Sacha Baron Cohen, Andrew Richard as Mort. तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं।
वर्तमान में अपने पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ें और डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्जर गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है, जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है, जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था, जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं लिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ, और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर, और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट, और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइलर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेक्विच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, पीडीआई ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox, और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 14, 2014, और ये चाइना में रिलीज हुआ था नवंबर 14, 2014 को। नवंबर 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $132 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम एंसिग्रेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको, द लूज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन, वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वुल्फ विद ब्रिटिश एजेंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जियोंग एज शॉर्ट फ्यूज, अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड, हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्विंगिन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड, हु सर्व एज द मशल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस
ब्रिन अवेलिनियस और डिसग्रेंटेड जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडिला पेंगुइन्स अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू. वार्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिटेड एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर. बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर. डेनी जैकोब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन. एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट. तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं. 10 साल पहले स्कीपर रिको और क्वालस्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं. अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं. जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं. वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जारो गोजा छोड़ देते हैं. इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है. तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं. तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं. वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं. बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहाँ उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया. तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें. हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ. पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट. प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइलर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, किन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेक्विच. तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं. इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, पीडीआई ड्रीमवर्क्स. तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं. इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 14, 2014. ये चाइना में रिलीज हुआ था नवंबर 14, 2014 को. नवंबर 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन. तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं. टॉम एंसिग्रेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रॉकी ऑफ
द एडला पेंगुइन, कॉनरेड वॉर्नन एज रिको, द लूज कैनन ऑफ द एडला पेंगुइन वॉर्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्ब्रेच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेलजियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एशियंट क्वालिटी लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्वेगियन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अ विलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस who has a human scientist excuse and want revenge on all Adela penguins across the earth of being obstacled and New York Zoo. Warner Herzog as himself credited as the documentary filmmaker, Billy Incher as the young your reporter, Danny Jacob as King Julian VIII in place of Sacha Baron Cohen, Andrew Richard as Mort. तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी में से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में अपने पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जारो गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहाँ उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डेव से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइलर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वॉर्नन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, किन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं
निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन पीडीआई ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 14, 2014। ये चाइना में रिलीज हुआ था नवंबर 14, 2014 को। नवंबर 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सीग्रेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वार्नन एज रिको द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन, वार्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्ब्रेच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेलजियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज ईवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्वेगियन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मार्शल्स, जॉन मैलकोविच एज डेव डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अवेलिनियस और डिसग्रेंटेड जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडेला पेंगुइन अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू, वार्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर, डेनी जैकोब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन, एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अड्डे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में अपने पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जार गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको
पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, PDI ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 14, 2014 और ये चाइना में रिलीज हुआ था नवंबर 14, 2014 को। नवंबर 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम एंसिग्रेथ एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको द लोज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन, वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्ब्रेच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्वेगियन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अविलिनियस और डिसग्रेंटेड जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडेला पेंगुइन अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू, वर्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर, डेनी जैकोब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन, एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अड्डे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं।
वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जार गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले आया जाता है, जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है, जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था, जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ, और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर, और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट, और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, पीडीआई ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox, और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014, और ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को। November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $132 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सीग्रेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको, द लूज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वर्नन रिप्लेस जॉन डीमैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जियोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड who serve as the expert in pyrotechnics and demolition, Annette Mahendru as Eva, a Russian snowy owl which is with a matching ancient Kowalski love interest girlfriend and North Wind intelligence analyst, Peter Stormare as Corporal Norwegian Polar Bear and a member of North Wind who served as the Marshals, John Malkovich as Dave, Dr. Octavius
ब्रिन अवेलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडिला पेंगुइन अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्टेक्ट एंड न्यूयॉर्क जू. Warner Herzog as himself credited as the documentary filmmaker, Billy Incher as the young Euro reporter, Danny Jacob as King Julian VIII in place of Sacha Baron Cohen, Andrew Richard as Mort. तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं. 10 साल पहले स्कीपर रिको और क्वालस की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं. अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं. जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं. वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के 10वें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जार गोजा छोड़ देते हैं. इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है. तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएँ. तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं. वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं. बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया. तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें. हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ. पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट. प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, केन जियोंग, एनट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच. तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं. इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, PDI ड्रीमवर्क्स. तो चलिए फिर इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं. इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014 और ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को. November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन. तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं. टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रॉकी ऑफ
द एडेला पेंगुइन, कॉनराड वार्नर एज रिको, द लूज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वार्नर रिप्लेस जॉन डीमैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशिएंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ऑल विच इज विथ अ मैचिंग एशियंट क्वालिस्टिकी लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्विंगन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मार्शल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अ विलिनियस अ डिसग्रेंटेड जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस who has a human scientist disguise and want revenge on all Adela penguins across the earth of being obstacled and New York Zoo. Warner Herzog as himself, credited as the documentary filmmaker, Billy Incher as the young your reporter, Danny Jacob as King Julian VIII in place of Sacha Baron Cohen, Andrew Richard as Mort. तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के दसवे को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्स जारोगोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके को जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज़ में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहाँ उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइलर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वार्नर, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, किन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेकविच। तो चलिए फिर इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं
निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन PDI ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014। ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को। November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में, और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनराड वर्नन एज रिको, द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैगियो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्ब्रेच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेलगीजियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्र एज ईवा अ रशियन स्नोवी ओल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्विंगन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अविलिनियस और डिसग्रेंटेड जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडेला पेंगुइन्स अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू, वर्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर, डेनी जैकोब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन, एंड्री रिचर्ड एज मॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीजों डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के 10वें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्श जारो गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है जहाँ उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें। हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको
पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर ये 2014 की फिल्म है और ये अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एरिक डॉर्नेल, सिमोन जे स्मिथ और इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिए हैं माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट, ब्रेंडन स्वेयर और इस फिल्म को स्टोरी दिए हैं एलन स्कूलग्राफ्ट, ब्रेंट सिमोंस, माइकल कोल्टन, जॉन एबॉट। प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को लारा बेरी, मार्क स्विफ्ट और इसे स्टारिंग दिए हैं टॉम एमसी ग्रेस, क्रिस माइदर, क्रिस्टोफर नाइट, कॉनरेड वर्नन, बेनडिक्ट कम्बरबैच, किन जियोंग, एनेट महेंद्रू, पीटर स्टोरमेयर, जॉन मलेक्विच। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के एडिट के बारे में भी जान लेते हैं। इस मूवी को एडिट किए हैं निक कैनवे और इसे म्यूजिक दिए हैं लॉर्ने बेफ और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, PDI ड्रीमवर्क्स। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है November 14, 2014। ये चाइना में रिलीज हुआ था November 14, 2014 को। November 26, 2014 यूनाइटेड स्टेट में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका रनिंग टाइम है 92 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $132 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $373.5 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉम्स एंड सिगरेट एज स्कीपर के रूप में, ये द लीडर ऑफ एडेला पेंगुइन्स में और क्रिस माइलर एज कोवाल्स्की के रूप में, द ब्रेन ऑफ द एडेला पेंगुइन के रूप में, क्रिस्टोफर नाइट एज प्राइवेट, द रोकी ऑफ द एडेला पेंगुइन, कॉनरेड वर्नन एज रिको, द लॉज कैनन ऑफ द एडेला पेंगुइन वर्नन रिप्लेस जॉन डी मैग्यो एज द वॉइस ऑफ रिको इन द फिल्म, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज एजेंट क्लासिफाइड एज यूरोशियन वूफ विद ब्रिटिश एंशियंट, ही इज द नॉर्थ विंड्स टीम लीडर, किंग जियोंग एज शॉर्ट फ्यूज अ बेल्जियन वाइट कोटेड हार्प सील एंड अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ विंड हु सर्व एज द एक्सपर्ट इन पिरोटेक्निक्स एंड डिमोलाइजेशन, एनेट महेंद्रू एज इवा अ रशियन स्नोवी ओल विच विथ अ मैचिंग एशियंट कोवाल्स्की लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड एंड नॉर्थ विंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पीटर स्टोरमेयर एज कॉर्पोरल नॉर्विंगन पोलर बियर एंड अ मेंबर ऑफ नॉर्थ विंड हु सर्व एज द मसल्स, जॉन मेलकोविच एज डेव, डॉक्टर ऑक्टेवस ब्रिन अविलिनियस और डिसग्रेंटेड जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस हु हैज अ ह्यूमन साइंटिस्ट डिस्क्यूज एंड वांट रिवेंज ऑन ऑल एडेला पेंगुइन्स अक्रॉस द अर्थ ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क जू, वर्नर हेरजॉग एज हिमसेल्फ क्रेडिट एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिली इंचर एज द यंग योर रिपोर्टर, डैनी जैकॉब एज किंग जूलियन एट इन प्लेस ऑफ सेचा बोरन कोहेन, एंड्री रिचर्ड एज मॉट। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। 10 साल पहले स्कीपर रिको और कोवाल्स्की अंटार्कटिका में पेंगुइन चूजे भाई हैं। अपनी कॉलोनी से एक भागे हुए अंडे को लुढ़कते हुए देखकर तीनों एक प्रतीक जहाज पर तेंदुए की सील से अंडे को बचाते हैं और एक हिमखंड पर बह जाते हैं। जब अंडा फूटता है तो तीनों पेंगुइन चूजे को अपने भाई प्राइवेट के रूप में अपना लेते हैं।
वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन से चीज़ और डिबल्स प्राप्त करने के लिए फोर्ट नॉक्स से में घुसकर प्राइवेट के 10वें को जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए स्कर्श जार गोजा छोड़ देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्राइवेट वास्तविक इच्छा एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पहचाने जाने की है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके को जरूर बताएं। तो चलिए और कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में पेंगुइन एक वेडिंग मशीन की चीज में रिवॉल्व करते हैं। बाद में पेंगुइन का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक पनडुब्बी में ले जाता है, जहां उनका सामना एक विशाल प्रसाद ऑक्टोपस डियो से होता है, जो कभी सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर में एक स्टार आकर्षण था, जब तक पेंगुइन ने अपनी सुंदरता से उसने पछाड़ नहीं दिया। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फ्रेंड देखें।